हेलो बच्चों, आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो है हमने पूरा डिस्कशन किया कैथोड रेज का, और एक तरीके से हमने इंट्रोडक्शन बताया कि कैसे जो है ये एटम का जो है इंटरनल जो आपका स्ट्रक्चर है, इसकी शुरुआत कैसे हुई कि ये डिविजिबल होता है, राइट। तो कैथोड रेज से जो है एक तरीके से जो है ये शुरू हो चुका है चीजें, जिसमें एक्सपेरिमेंटली जो है हमें इनके डेवलपमेंट को वन टू वन डिस्कस करना। अब जैसे कि आपको पता है कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से जो है हमें मेनली क्या चीज पता चली है, तो कैथोड रेज से हमें मेनली पता चला है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ना तो अभी हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है और ना ही इलेक्ट्रॉन का हमें अभी चार्ज पता है। अब देखिए कि इसमें जो नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट है, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, वो एनोड रेज से रिलेटेड है, ठीक है। एनोड रेज, या एक तरीके से अगर हम बात करें कैनाल रेज को लेकर, तो एनोड रेज और कैनाल रेज जो है वो क्या है और किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, इसको जब हमें जो है समझना है। अब देखो, एक तरीके से कैथोड रेज को स्टडी करने के बाद ऑलमोस्ट जो है एनोड रेज के बारे में चीजें क्लियर हो जाती है। अब जैसे कैसे क्लियर हो जाती है कि जैसे आप देखो कि जब आप किसी भी गैस को ले रहे हो, जैसे लेट सपोज दैट जैसे कि आपने H2 को लिया, सेम चीज को ध्यान रखना। तो H2 के केस में जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एच प्लस में, और ट्वाइस इलेक्ट्रॉन में। वहीं अगर आपने हीलियम को लिया, तो हीलियम के केस में इट विल कन्वर्ट इनटू हीलियम 2+ प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। वहीं जैसे अगर आपने लिथियम को लिया, तो लिथियम इज आयनाइज इनटू लिथियम प्लस एंड इलेक्ट्रॉन, राइट। अब आपका नेगेटिव पार्ट जो है वो किधर से किस किधर डायरेक्शन में मूव कर रहा था, कैथोड से एनोड की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो पॉजिटिव पार्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एनोड से कैथोड की तरफ मूव, राइट। और सेम चीज है कि यहाँ पे अगर आप परफोरेटेड कैथोड लोगे, और इस स्क्रीन को जो पीछे आपके दिख रही है, इस स्क्रीन को अगर आप सर्क मतलब किसी भी जिंक सल्फाइड जैसे मटेरियल से अगर कोटिंग करते हो, तो जब ये इस पे स्ट्राइक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, ग्लो नजर आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है रेड ग्लो, तो ये जो ग्लो है डिपेंड करता है स्क्रीन के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि आपको जो है इससे आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ, कोई पार्टिकल जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ भी मूव कर रहा है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आप हाइड्रोजन लेते हो बच्चों, तो हाइड्रोजन के लिए आपका पॉजिटिव पार्ट जो है वो एच प्लस है। हीलियम लेते हो तो पॉजिटिव पार्ट क्या है, हीलियम 2+। और अगर लिथियम लेते तो ये क्या है आपका, लिथियम प्लस है। मतलब कि आप देख सकते हो कि जो कैटायनिक पार्ट है वो चेंज होता चला जा रहा है। जैसे जैसे आप गैस को चेंज कर रहे हो, उसके साथ साथ आपका कैटायन भी बदल रहा है, उसके चार्जेस भी बदल रहे हैं, उसके मासेस भी बदल रहे हैं, राइट। क्योंकि जैसे हाइड्रोजन का मास और हीलियम 2+ का मास क्या होगा, अलग होगा। लिथियम प्लस का मास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो एक तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनका जो स्पेसिफिक चार्ज आएगा वो भी क्या है, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अगर हम एनोड रेज की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे कॉमन करेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम रहेगी, लेकिन किन किन चीजों को लेके डिफरेंट है अगर हम उसका डिस्कशन करें। जैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो सेम है जो हमने कैथोड रेज में पढ़ा था, वहां पे हम बात कर रहे थे कैथोड टू एनोड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनोड टू कैथोड। आयनाइजेशन भी सेम तरीके से हो रहा है, तो वहां पे हम इलेक्ट्रॉन वाले हिस्से की बात कर रहे थे, अब हम पॉजिटिव वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो पॉजिटिव हिस्सा बचता है, एक तरीके से आप इसको क्या बोलते हो कि आपका कर्नेल हो जाएगा, ठीक है। ये लैंग्वेज हम आपको जो है आगे बताएंगे कि कर्नेल जो है वो आपका वो हिस्सा रहता है जो बैलेंसी सेल को रिमूव करने के बाद बचता है एक एटम का, ठीक है। तो आयनाइजेशन में जो इसका कर्नेल होगा वही आपका एनोड रेज का जो है फॉर्मेशन करेगा, ठीक है बेटे। तो एनोड रेज जो है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये आपको ऐसा नजर आएगा कि कोई चीज एनोड से जनरेट हो रही है और कैथोड की तरफ मूव हो रही है। परफोरेटेड का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें होल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है ये पास होके इस स्क्रीन पे टकराएगा और आपको ग्लो नजर आएगा। अब जैसे इसकी करेक्टरिस्टिक्स आप देख लो, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, और उसमें क्या सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि इसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब हमने लिया जिसमें हमको कैनाल रेज या ये पॉजिटिव एनोड रेज का फॉर्मेशन हुआ। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कैथोड रेज के रिलेटिव अगर हम बात करें, तो यहाँ इसका जो मास है वो जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पे। तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेंशन हो रखा, ठीक है, जो चीज मैंने उसमें बताई। दूसरी चीज इसमें यहाँ पे कि जो स्पेसिफिक चार्ज है वो भी जो है किस पे डिपेंड करेगा, आपका गैसेस पे।
अब इस चीज को हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं बेटे, जैसे हम H प्लस की बात करें ठीक है, और वहीं जैसे मान लो फिर मैं Hc2 प्लस की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ जो है आपका चार्ज कितना हो गया H प्लस के लिए, तो H प्लस के लिए चार्ज आपका हो गया 1 पॉजिटिव, मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसका जो मास है बेटे की मास जो है कितना हो जाएगा, तो मास आपका हो जाएगा 1.66 × 10⁻²⁷ kg। तो इसका जो स्पेसिफिक चार्ज आएगा जो कि चार्ज अपॉन मास का रेशियो होगा, स्पेसिफिक चार्ज अगर आप निकालोगे H प्लस का, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाई 1.66 ठीक है × 10⁻²⁷ गुलाम पर केजी। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इट विल बी 9.8 × 10⁷ गुलाम पर केजी। तो ये जो है आपका ठीक है नियरली 9.6 के अराउंड आएगा, 9.8 नहीं ठीक है। तो इतना जो है आपकी वैल्यूज आ जा रही ठीक है। अब हीलियम 2+ की बात करते हैं, कि जैसे ये तो हमने एच प्लस के लिए लिखा है स्पेसिफिक चार्ज, अब जैसे इसका स्पेसिफिक चार्ज निकालो, तो इसका देखो चार्ज आपका कितना हो गया, तो आसानी से लिख सकते हो, तो इसका चार्ज आपका हो गया 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ ठीक है, क्योंकि इस पे दो पॉजिटिव दिख रहा है आपको। इसका मास लिखो, तो मास जो है इसका आपका कितना हो गया, 4 यूनिट होता है, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन सॉरी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो मतलब 4 × 1.66 × 10⁻²⁰ kg। तो यहाँ पे देख सकते हो कि चार्ज डबल हुआ तो मास 4 गुना हो गया। तो अब इसका स्पेसिफिक चार्ज निकालोगे, तो एक तरीके से जो लॉजिकली मैथमेटिकली बात करोगे, तो ये जस्ट इससे हाफ हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 4.8 × 10⁻¹⁷ गुलाम पर केजी ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से Li+ का भी कैलकुलेट करके आप देखना ठीक है, तो वो जो है इनसे भी डिफरेंट आएगा। तो यही चीज वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक चार्ज है वो जो है डिपेंड करेगा किस पे, कि आपने किस मटेरियल को या किस गैस को इस ट्यूब में फिलअप किया है, तो एनोड रेट जो है वो उस पे डिपेंड करता है ओके। अब जैसे यही चीज कह रहा है कि इसमें मल्टीपल चार्ज जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे H+ के ऊपर 1 यूनिट है, तो Hb+ के ऊपर क्या है, 2 यूनिट चार्ज है। अब कह रहा है कि द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन द मैग्नेटिक रिएक्टिव अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज, तो कैथोड रेज में जो बिहेवियर था जस्ट उससे उल्टा मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि कैथोड रेज जो है किधर डिफ्लेक्ट हो रही थी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और ये जो है किधर अपना बेंडिंग कर लेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये समझना बहुत आसान है। इसमें भी सेम चीज है कि ये भी जो है किसमें ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में, ये लाइन आपको लिख लेनी इसमें, तो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ओके। अब एक ये लाइन लिखनी है, दूसरी बेटे लाइन इसमें लिखनी है कि हैव मास एंड मोमेंटम, हैव मास एंड मोमेंटम। तो एनसीईआरटी की टैगलाइन के अकॉर्डिंग जैसे गोल्ड स्टीन ने जो है इसको एक्सपेरिमेंटली जो है सेटअप करके चीजों को एक्सप्लेन किया था, कैनाल रेज को लेके या एनोड रेज को लेके, और यहां से जो है एक तरीके से पॉजिटिव पार्ट का एनालिसिस आया था। सेम एक्सपेरिमेंट, स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया, कंडीशन सेम है कि आपको जो है अगर किसी भी गैस के थ्रू आयनाइजेशन करना है, सॉरी किसी भी गैस को आयनाइज करना है या उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है, तो उसकी कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है उसके लिए क्या चाहिए, लो प्रेशर चाहिए और हाई वोल्टेज चाहिए। ये कंडीशन है, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई गैसेस ठीक है। तो कई बार जैसे एनसीईआरटी बेस्ड अगर हम सवाले की बात करें, तो ये आपका कंडीशन है, तो कंडीशन फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई गैसेस ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है बेटे। तो ये आपकी कंडीशन है जो कि दोनों के लिए ट्रू है, कैथोड और एनोड रेज को हमने कलेक्टिवली जो है एक साथ इन्वॉल्व कर लिया ठीक है। और कनेक्शन आप देख सकते हो कि वो जो है कैथोड से एनोड जा रहा था, ये एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे मैंने अलग अलग मटेरियल को लिख के दिखाया, ये जो है सिंपली डिपेंड करेगा किस पे, नेचर पे। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, कि उसको जो है कैसे डिस्कवर किया गया
और उसकी नीड कैसे समझ में आती है। अब देखो नीड ऐसे समझ में आती है कि जैसे आप बोलते हो कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा, और एक चीज हमको आइडिया लग चुका है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के रिलेटिवली क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा, राइट, क्योंकि प्रोटॉन का मास जो है -27 की पावर है और इलेक्ट्रॉन -31 की पावर में। तो एक तरीके से मास ऑफ एटम जो है, अगर हम बात करें तो मास ऑफ एटम जो है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो है बिलोंग्स कर रहा है कंप्लीटली किससे, तो बिलोंग्स टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन मान लो आपको नहीं पता है, इसको मान लो कि ये भी आपके लिए अननोन है, ये आपको पता ही नहीं है कि न्यूट्रॉन होता है कि नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में मान लो आप किसी भी एटम का मास निकालो और प्रोटॉन मान के निकालते, तो जस्ट आप जो मास एक्सपेक्ट करोगे प्रोटॉन से उससे आपका दुगने मास आ रहा है, और कुछ केसेस में तो दुगने से ज्यादा आ रहा है। मान लो हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का आपका 11 यूनिट आएगा, लेकिन वहां पे आप देख रहे हो कितना 23 यूनिट आता है एक्चुअल, तो ये डबल आ रहा है, कुछ केसेस में डबल से ज्यादा आ रहा है। तो एक तरीके से लोगों को ये आइडिया तो लग चुका था कोई एक और पार्टिकल है जो कि इसके मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अब उस पर चार्ज नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रिकली ये चीज प्रूव हो चुकी थी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को लेकर चीजें क्लियर थी, पर मास को लेकर क्लियर नहीं थी। क्यों क्लियर नहीं थी, क्योंकि जो मास आप प्रोटॉन से देख रहे थे उससे आपका जो मास आ रहा था एटम का वो डबल या उससे ज्यादा आ रहा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मास आपका डबल या डबल से ज्यादा आ जाए, तो ऐसा तभी हो सकता है कि कोई पार्टिकल हो जो मास में कंट्रीब्यूट कर रहा हो पर चार्ज में कंट्रीब्यूट ना करे, क्योंकि चार्ज तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम आपका। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए 1932 में जो है इसकी एग्जिस्टेंस आपको प्रूव हुई, चैडविक ने इसको प्रूव किया। तो चैडविक ने जो है जब आपके बेरिलियम पे, ठीक है, जैसे इसको हमें लिखना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमें इसको हेडिंग देना है, ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल का एक तरीके से डिस्कवरी है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में जैसे बेरिलियम की बात करते हैं तो बेटे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास नंबर होता है 9, ठीक है। अब इसके ऊपर जब हीलियम पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया हीलियम 2+ का, तो हीलियम 2+ बेटे एक्चुअल में आपका है एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर इसका कितना है 4, और इसको हम बोलते हैं क्या कि ये आपका अल्फा पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब एक ये फ्यूजन टाइप की रिएक्शन थी, फ्यूजन टाइप की रिएक्शन का मतलब कि इन दोनों को आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल एटम का फॉर्मेशन करना। अब ये आपस में फ्यूज होंगे तो 4 इसका एटॉमिक नंबर और इसका 2 है, तो इसको जो एटम मिलेगा डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, कार्बन का, क्योंकि 4 और 2 कितना होता है 6। अब मास नंबर आप जोड़ो कि 9 और 4 कितना होता है बेटे 13, पर आपको इसका मास नंबर कितना मिला, 12 मिला। तो मास नंबर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हमने देखा कि एक जो है पार्टिकल इसमें एमिट हुआ जिसका मास नंबर है 1 यूनिट और एटॉमिक नंबर है 0, ठीक है, मतलब वो प्रोटॉन नहीं है लेकिन उसके पास 1 यूनिट मास है, और इस चार्ज पे जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा गया तो इसमें देखा गया कि कोई इसमें डिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहा, मतलब इससे ये प्रूव हो गया कि ये पार्टिकल जो है क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली, और न्यूट्रल है, और इसको जो है हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन बोलेंगे, नोन एज न्यूट्रॉन। अब इसके अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें बेटे तो न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो चार्ज आपका है इसके ऊपर 0। अब इसका मास कितना होता है, तो मास जो है स्लाइटली थोड़ा सा अधिक है, ठीक है, प्रोटॉन से, पर ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ठीक है, इतना है। तो इसके बेसिस पे इसका अगर मान लो मैं पूछूं स्पेसिफिक चार्ज बताओ कि क्या होगा, तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो निकालने का तरीका तो वही है, चार्ज डिवाइडेड बाय मास,
चार्ज जीरो है तो स्पेसिफिक चार्ज भी डायरेक्टली क्या लिख दूं, जीरो। अब जैसे मैं आपको इसमें एक सवाल दे दूं जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड भी है और सब तरीके से एलिजिबल भी है कि एनसीईआरटी के साथ साथ जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो कंपेयर स्पेसिफिक चार्ज को आपको ध्यान रखना है, समटाइम्स इट इज रिटन एज ई बाई एम। ई बाई एम का मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार जो है 1.6 × 10⁻¹⁹ लिख देना है, ये एक तरीके से चार्ज बाई मास की बात कर रहा है या स्पेसिफिक चार्ज की बात कर रहा है। तो ये जनरल तरीका है लिखने का। तो कंपेयर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ H प्लस E प्लस, जिसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन, शब्दों पे ध्यान देना है, He2+, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन मतलब E- एंड न्यूट्रॉन। तो इनका जैसे हमें E बाई एम कंपेयर करना है और ध्यान देना है यहाँ पे, नॉट इसमें इम्पोर्टेंट है, कंपेयर ओनली मैग्नीट्यूड। जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको क्या करना है, तो कंपेयर ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही कंपेयर करना। अब इनकी वैल्यूज मैं पीछे लिख चुका हूं, ड्यूट्रॉन जो है वो डी प्लस हो जाएगा बेटे, तो ड्यूट्रॉन जो है डी प्लस हो जाएगा, तो डी प्लस का जो है कितना हो जाएगा चार्ज, तो डी प्लस के लिए आप लिख लो कि डी प्लस का जो है चार्ज आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि ये ड्यूट्रॉन है मतलब सेकेंड आइसोटोप है हाइड्रोजन, तो चार्ज आपका हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹, और इसका मास हो जाएगा 2 यूनिट, तो मास हो जाएगा 2 × 10⁻³, सॉरी 2 × 1.6 × 10⁻³¹, सॉरी −27, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो अब देखो कि ये आपका चार्ज और मास मिल गया। अब देख सकते हो कि इसका जो स्पेसिफिक चार्ज है वो सेम होगा किसके, He2+ के जैसा, क्योंकि वहां चार्ज डबल हो जाता है, मास 4 यूनिट हो जाता है, 1/2 टाइम्स हो जाता है। या वैसे भी देख सकते हो कि H प्लस के रिलेटिव क्या है, मास डबल हो गया, चार्ज वही है, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या है, हाफ हो जाएगा। तो इसका स्पेसिफिक चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा, इसका स्पेसिफिक चार्ज आपका हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁷ कूलाम पर केजी, राइट। अब कंपेयर कर लो बच्चों, तो कंपेयर करोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज जो है आपको सबसे ज्यादा जो है किसका मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है और कुछ कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बाद जो है आपको किसका मिल रहा है, एच प्लस का, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि डी प्लस जो है वो इक्वल है किसके, एच ई टू प्लस के, जिसको अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, और सबसे कम किसका मिल रहा है, न्यूट्रॉन का, जो कि कितना है, जीरो है, राइट। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया किसका, स्पेसिफिक चार्ज का। जो वैल्यूज मैंने पीछे लिखवाई हैं उनसे आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो देख। तो ये क्वेश्चन जो है कंपैरिजन वाला जो है कई बार पूछा जाता है। तो एक तरीके से फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है इसके बाद जो है हम अगले लेक्चर में बात करेंगे किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की, ठीक है। और उससे पहले आपको अल्फा रे एक्सपेरिमेंट जो कि 9th में बताया जाता है उसको हमें डिस्कस करना है डिटेल में, ओके।